हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनीता एंड फूड ब्लॉग्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पालक के पकौड़े की रेसिपी। तो चलिए इस वीडियो को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक लिया, इसे अच्छे से हमने धोकर काट लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे और अब हम इसमें यहाँ पर एक कप बेसन इसमें डालेंगे और यहीं पर हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसी में मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा का पाउडर डाला है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने हल्का सा बेकिंग पाउडर डाला है और हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे और यहीं पर हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करके इसका एक ठीक सा बटर तैयार करेंगे। तो पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आप देख सकते हैं इसका बैटर बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो हमें इसी तरह की थिकनेस रखनी है। तो यहाँ पे मैंने एक आलू लिया, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू को बिल्कुल मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया। तो यहीं पर हम इसमें दो हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसी में मैंने एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ डाला है और यहाँ पर मैंने खूब सारा धनिया पत्ता डाला है कटा हुआ। और अब हम इसमें पालक को भी डाल लेंगे जो हमने धोकर काट कर अच्छे से रखा था। तो यहाँ पे मैंने पालक को अच्छे तरीके से डाल लिया। अब इन सभी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने मिला लिया। तो चलिए इसके हम पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले से गर्म करके रखा था, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। तो हम इसमें पकौड़ों को डाल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पकौड़ों को अच्छे से डाल दिया और ये मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो रही है। तो जब ये एक तरफ से हल्का कलर चेंज हो जाए इसका, तो हम इसे दूसरी तरफ से पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पकौड़े बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ों को अच्छे से निकाल लिया। तो हम बाकी के सारे पकौड़ों को भी इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गर्मा गर्म पालक के पकौड़े बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे टमाटर के चटनी से सर्व किया। आप चाहे तो इसे शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं चाय के साथ। तो फ्रेंड कैसे लगी आपको हमारी ये पालक पकौड़े की रेसिपी, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।